हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रीट के जो एग्जाम थे दोस्तों, जो रीट के जो फॉर्म हमने भरे थे उसके अंदर दोस्तों एक नया ऑप्शन और आ गया। देखिए, मान लीजिए आप सेकंड लेवल के अपने फॉर्म भरे हैं, आप फर्स्ट लेवल का भी करना चाहते हो, यानी एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से ऑप्शन आ गया, एडिशनल ऑप्शन है। उसका पेमेंट वगैरह किस तरह से करना है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल आप कैसे कर पाओगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी से बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो जानकारी दोस्तों पसंद आएगा। ये वीडियो जानकारी पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों जो हम लेवल फोर यानी कि जिसके लिए आप परीक्षा देना चाहते हैं, यानी सेकंड लेवल के लिए देना चाहते थे, अभी फर्स्ट अगर आप देना चाहते तो वो भी इसमें कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड वाला बटन है दोस्तों, इसको जरूर दबा देना और बाद इस बेल आइकन को दबाना और ऑल पे क्लिक कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गए, उस वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, तो ये रीट 2021 की वैकेंसी है दोस्तों। इसके अंदर देखिए दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे क्लिक करते थे रीट के लिए, तो उसके अंदर दोस्तों ये डिटेल भरने पड़ते थे। यहाँ पे देखिए यानी कि लेवल के लिए, तो लेवल 1-2 का आ गया और बूथ के लिए ऑप्शन आता था, लेकिन पहले ये जो एक एडिशनल ऑप्शन है अभी फिर से यहाँ पे एक दे दिया गया है। तो यहाँ पे डिपॉजिट डिफरेंस फीस फॉर लेवल 1, तो ये न्यू फीचर हमें दिया गया। इसको किस तरह से आप पेमेंट वगैरह करोगे, क्योंकि मैंने एक सेकंड लेवल का किया था, वो फर्स्ट लेवल भी करना चाहते हैं, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड है, तो सेकंड लेवल को किस तरह से करना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस पर आपको डिपॉजिट फीस लेवल 1 पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि चालान नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ओल्ड लेवल, यानी कि जो लेवल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 लेवल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल आपको भरनी है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, ये डिटेल मैं फटाफट भर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं और आगे का। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर आ जाएगा, उसके बाद नाम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे इमित राज सीएससी में करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्लिक कर देना, क्या आप लेवल 1 हेतु शुल्क की अतिरिक्त राशि यानी 200 जमा करवाना चाहते हैं। अंतरराशि जमा करवाने के उपरांत अभ्यर्थी यदि निर्धारित योग्यता रखता है, जैसे लेवल 1 की परीक्षा देने के योग्य हो जाएगा, मैं BA समक्ष उत्तीर्ण हूँ, मैं लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए लेवल 1 के लिए भी मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दोस्तों, आपका चालान यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, बूथ लेवल यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद बूथ लेवल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ये चालान आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट कर लेना, उसके बाद पेमेंट वगैरह कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इससे पेमेंट करता हूँ, फिर ई मित्रा पे लेके चलता हूँ, आपको किस तरह से पेमेंट कर देना है। तो चलिए उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका प्रिंट आउट ले लेना, उसके बाद आपको ई मित्रा पे आ जाना है। तो ई मित्रा पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूटिलिटी पे क्लिक कर देना है और रीट यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप रीट यहाँ पे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए रीट के आप ऑप्शन आ जाएंगे, BA रीट 2021 पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो दोस्तों, आपको यहाँ पे चालान नंबर जाएगा, आपको चालान नंबर है आपको ये डाल देना। तो चलिए हम यहाँ पे चालान नंबर डाल दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ये चालान नंबर है वो डाल देना है। जैसे एक बार कंफर्म आपको कर ले, उसके बाद गेट बिल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों गेट बिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा, तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे चालान नंबर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद डेट वगैरह, एप्लीकेशन एंडिंग डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड बिल पे क्लिक कर देना, उसके बाद बिल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पेमेंट कर देते, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पे बिल वाइज से अपने यानी ई मित्र से यहाँ पे 210 रुपये यहाँ पे टोकन वगैरह कटेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करो दोस्तों, आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिसिप्ट नंबर है ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वापस उस पेज पे आ जाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस पोर्टल पे वापस आपको यहाँ पे आ जाना, उसके बाद रिफ्रेश आपको यहाँ पे इस पोर्टल को कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जो चालान या पेमेंट स्टेटस डिफरेंस फीस वाले पे क्लिक कर देना है, इसके अंदर चालान को हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चालान नंबर आपको डाल देना, उसके बाद मदर का नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, पहले चालान संख्या डालते हैं, उसके बाद उसकी मदर का नाम डाल देते हैं, और उसके बाद हम क्या करना, उसको हम वेरीफाई पे लगाते हैं। तो चलिए हम मदर का नेम यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपको डाल देनी है। चलिए हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चालान संख्या, नाम वगैरह, यहाँ पे लेवल 2 और मिडिल क्लास आ जाएगी, बूथ लेवल आ जाएगा, प्राइमरी स्कूल आ जाएगी, ये सब कुछ आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे आपको क्या कर देना, एक प्रिंट आउट यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, उसके बाद बैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। वापस जो आपने चालान संख्या आए थे वो चालान संख्या आपको डाल देना है। उसके बाद आपको मदर नेम डाल देना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेते हैं और उसके बाद में चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट में यहाँ पे इनवर्ली चालान डेट ऑफ बर्थ मदर्स नेम, तो फिर से हम ट्राई करते हैं, उसके बाद में फिर से यहाँ पे चेक करते हैं। और जैसे दोस्तों आप डालोगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो लेवल है वो 1 भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले हमारा लेवल यहाँ पे 2 ही था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना, जो पुराने वाले इनरोलमेंट नंबर है यानी फॉर्म नंबर, उसी से आपको प्रिंट आउट देना है। जैसे आप दोगे तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि यहाँ पे लेवल वगैरह सब कुछ वापस वहीं से आ जाएगा। तो इसका आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट ले लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो लेवल फर्स्ट को भी। मिलता है अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।